जय हिंद दोस्तों। 24 तारीख 24 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे, ठीक है, हमें किसी भी हालत में हमारा हैशटैग हमारा ट्रेंडिंग में लाना है, मतलब लाना है। SSC GD सीट इंक्रीज के रिकॉर्डिंग जो भी हमने हैशटैग में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, उसको किसी भी हालत में हमें ट्रेंडिंग में लाना है। लेकिन ये होगा, हम सबकी एक साथ एकजुट होकर हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे, रिट्वीट करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, तब जाके हमारा जो है बात सरकार तक पहुंचेगी और हमारी वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो SSC GD का ट्वीट कैसे करना है, ट्विटर कैसे चलाते हैं, और जो ट्विटर पर हैशटैग कौन सा लेना है, और एक अच्छा ट्वीट कैसे करते हैं, और अलग अलग टैग बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप, अलग अलग ट्वीट अलग अलग टैग मत यूज़ करना, सिर्फ एक ही टैग का इस्तेमाल सब करना, तब क्योंकि ट्विटर का जो एल्गोरिदम है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, तो वो किसको सबसे पहले आगे करूँ ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक ही टैग सबको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ट्विटर कैसे चलाते हैं, आप इस वीडियो को देख लो, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी है, आगे जो मैंने पूरा ट्वीट कैसे करते हैं वगैरह वो सारी जानकारी मैं आपको आगे चल के दूंगा। ट्विटर पे जो एक ही टैग का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का ट्वीट जो है हैशटैग जो है SSC GD सीट इंक्रीज 2018, ये आप लोगों का हैशटैग है, तो इसी का इस्तेमाल आपको हर किसी को करना है, और हर किसी को बता दो कि हमें जो है ट्वीट करते वक्त सबसे पहले हैशटैग में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे नीचे पंख के बटन पर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको हैशटैग लगाना है पहले, ठीक है, हैशटैग लगाना है, उसके बाद SSC GD, उसके बाद GD लिखना है, और आपको नीचे कॉलम में दिख जाएगा सीट इंक्रीज 2018, ये ऑलरेडी आपको वहाँ पे दिख जाएगा, सिर्फ आप SSC GD लिखना और ये हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वीडियो में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम वैसे ही करना है, और नीचे जो है आपको आप जो भी लिखना चाहते हो उनको लिख देना, ठीक है। BSF वगैरह में जो वैकेंसी खाली है, हमारी सीट बढ़ाइए वगैरह वगैरह, ऐसा आपको कुछ भी लिख सकते हो। नीचे जो है आपको किसको टैग करना है, तो देखिए मैंने नित्यानंद राय जी है जिन्होंने री मेडिकल के रिकॉर्डिंग, रणबीर सिंह जी ने जिनको लेटर दिया था उनको टैग किया है सबसे पहले, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को किया है, ठीक है। उसके बाद जो है PIB होम अफेयरेंस का जो गृह मंत्रालय का जो ऑफिस है उसको टैग किया है, उसके बाद CRPF इंडिया को किया है, ठीक है। उसके बाद जो है अमित शाह जी को किया है, उसके बाद गृह मंत्री कार्यालय जो है HMO इंडिया को किया है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कर देना, लेकिन मैं जो जो आपको दिखा रहा हूँ इनको 100% करना, मतलब करना, ठीक है। आप और अगर आप किसकी पहचानते हो तो उनको आप कर सकते हो, ठीक है, BSF को कर सकते हो, CRPF को कर सकते हो, तो आप जिसको भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। PMO इंडिया को कर सकते हो, ठीक, और ऊपर जो ट्वीट बटन पे आप दिख रहा है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ट्वीट हो जाएगा। नीचे जो है आपको फ़ोटो लगाने का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप फ़ोटो चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने की है, ठीक है। आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो और फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ट्वीट बटन जो है आपको ऊपर दिख रहा है, उस पर जैसे आप ट्वीट करोगे तो उस पर बटन दबाने के बाद फाइनली आपका जो है ट्वीट हो जाता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। और एक गलती बिल्कुल मत करना, हैशटैग SSC GD सीट इंक्रीज ऐसे लिखना, उसके बाद आपको नीचे जो मैसेज लिखना है वो लिख देना, नीचे जो है आपको किन किन लोगों को टैग करना है उनको कर देना, नित्यानंद राय जी जो है BJP के उनको कर देना, नरेंद्र मोदी जी को कर देना, PIB होम अफेयरेंस को कर देना, अमित शाह को कर देना, PM इंडिया को कर देना, और हो सके तो आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं किया तो फिर भी चलता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल लगता है इसलिए कर देना। और ऊपर जो ट्वीट बटन आपको दिख रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ट्वीट हो जाएगा, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मेरा ट्वीट जो है हो गया है, ये आपको थोड़ा सा ये देखिए आपको मेरा ट्वीट दिख जाएगा, इस पर सीधा आपको सिर्फ रीट्वीट करना है, ठीक है, यहाँ पर सीधा रीट्वीट करना है और लाइक कर देना है और हो सके तो फॉलो कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, ट्वीट कैसे चलाते हैं मैंने आपको दिखा दिया, किस टैग का इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, एक अच्छा ट्वीट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अलग अलग ट्वीट का इस्तेमाल मत करना। कोई लिखेगा SSC GD सीट इंक्रीज, इतना लिख देगा, ऐसा नहीं करना है, SSC GD सीट इंक्रीज 2018 ऐसे लिखना है, जिसे मैंने वीडियो में दिखाया है सेम वैसे ही आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना है, ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो, जो
ट्विटर का जो एल्गोरिदम है वो कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले किसको ट्रेंड में लाया जाए। और ये 24 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे हम सबको एक साथ ट्वीट करना है, ठीक है। मैं जैसे ही ट्वीट करूँ आप मुझे भी रीट्वीट कर देना, मैं आपको भी कर दूँगा, लाइक करना, रीट्वीट करना, और जितना अपने अकाउंट से 5-6 जितने कर सकते हो वो कर देना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।